का दोस्तों और सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बेबी कैप बनाएंगे जो न्यू बॉर्न बेबी के लिए है। इसे मैंने 10 नंबर की सिलाई से और बेबी वुल से बनाया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत जल्दी बनके तैयार होता है। बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम कैप बनाते हैं। 10 नंबर की सिलाई लेंगे, उनको डबल फुल करेंगे और 78 फंदे डाल लेंगे। तो हमने 78 फंदे डाल लिए हैं। अब हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए 8 लाइन का बॉर्डर बना लेंगे। फ्रंट से भी सीधा बुनेंगे और बैक से भी सीधा, दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए हम 8 लाइन का बॉर्डर बना लेंगे। तो बॉर्डर बना के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 8 लाइन सीधा सीधा बुनते हुए 8 लाइन कंप्लीट कर लिया है, जिससे 4 उल्टे फंदों की धारियाँ आ गई हैं। अब हम इसमें अपना डिज़ाइन डालेंगे। चूँकि मैं इस बेबी स्वेटर के लिए ये कैप बना रही हूँ, तो हम यही डिज़ाइन डालेंगे। तो इसके लिए हम अपना सेकेंडरी कलर अटैच कर लेंगे। 3 फंदा सीधा बुनेंगे, चौथे फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, फिर 3 फंदा सीधा। और चौथे फंदे को स्लिप कर लेंगे, फिर 3 फंदा सीधा। चौथे फंदे को स्लिप करेंगे, इसी तरह करते हुए 3 फंदा सीधा बुनते हुए और चौथे फंदे को स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। चूंकि हमने 78 फंदे डाले थे और ये डिजाइन 4 के मल्टीपल फंदों में पड़ रहा है और 3 फंदा एक्स्ट्रा, और हमारे पास लास्ट में 2 ही फंदे हैं, तो हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। यानी एक फंदे में हम 2 बार बुनेंगे, एक बार आगे से और एक बार पीछे से। यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ा दिया। अब ये हो गया 79 फंदे और हमारा डिज़ाइन अच्छी तरह सेट हो गया। रॉन्ग साइड से हम सब बुने हुए फंदों को उल्टा बुन लेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे। बुने हुए फंदे को उल्टा और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। तो बॉर्डर के बाद ये 2 लाइन कंप्लीट हो गए हैं। अब ये तीसरा लाइन है, तो इसमें हम अपने प्राइमरी कलर के ऊन से सभी फंदे सीधे बुना लेंगे। बुने हुए फंदे और स्लिप किए हुए फंदे, सभी फंदों को हमें सीधा बुन लेना है। तो तीसरे लाइन में हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और सभी फंदों को हमें वापस सीधा ही बुनना है। दूसरी ओर किया, अब सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो तीसरी लाइन में भी हमने सभी फंदों को सीधा बुना और चौथी लाइन में भी हम सभी फंदों को सीधा ही बुन लेंगे। तो हमने चौथी लाइन में सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब ये पांचवा लाइन है और सामने से, तो अपने सेकेंडरी कलर के ऊन से हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, अगले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदा सीधा, 1, 2 और 3। और चौथे फंदे को स्लिप करेंगे। देखिए, चौथा फंदा इन 3 फंदों का बीच का फंदा है, ये इन 3 फंदों के बीच का फंदा है। और फिर 3 फंदों को सीधा बुनेंगे, तो ये देखिए स्लिप किया हुआ फंदा है, तो ये फंदा और इसके दोनों साइड वाले फंदे, इन 3 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। तो हमने 3 फंदों को सीधा बुन लिया। अब फिर चौथे फंदे को हम स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे को सीधा और चौथे फंदे को स्लिप करेंगे। देखिए, ये डिज़ाइन
ये इसके बीच में आएगा, ये स्लिप किया हुआ फंदा इन तीन फंदों के बीच में आएगा, तो एक खूबसूरत सा ब्रिक बनता चला जाएगा। तो ऐसे ही करते हुए तीन फंदा सीधा और चौथे फंदे को स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में भी दो फंदे बचेंगे, तो देखिए तीन सीधा बुनने के बाद एक फंदा स्लिप करेंगे और लास्ट फंदा सीधा, जैसा हमारा इधर की तरफ है, एक सीधा फिर स्लिप फिर तीन सीधा फिर स्लिप फिर तीन सीधा फिर स्लिप, लास्ट में देखिए तीन सीधा फिर स्लिप फिर लास्ट में एक फंदा सीधा। अब रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। बुने हुए फंदे को उल्टा और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करें, तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब हम सामने की तरफ हैं, तो अब हम अपने प्राइमरी कलर के उल से सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। तो हमने सभी फंदा सीधा बुन लिया। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और सभी फंदों को सीधा ही बुन लेंगे। तो इन्हीं आठों लाइनों को हमें ऊपर ऊपर दोहराना है और 10 सेंटीमीटर तक बुन लेना है। देखिए इस समय 2 सेंटीमीटर हो गया है और हमें 10 सेंटीमीटर तक लंबा करना है, तो 10 सेंटीमीटर कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने 10 सेंटीमीटर बुन लिया, तो अब इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्योंकि 79 फंदे हैं और हमें तीन पार्ट में डिवाइड करना है, तो 26 हम एक साइड में 26 फंदे रखेंगे, 26 इधर 26 इधर और बीच में 27 फंदे। तो अब हम इस लाइन में हमें अपने प्राइमरी कलर से सभी फंदे सीधे बुनने हैं, तो हम 26 फंदों को हम क्लोज बाइंड ऑफ कर देंगे और अब इस धागे को भी हम साथ साथ लेते जाएंगे। तो दो फंदा हमने क्लोज कर लिया, तीन चार पांच हम सीधा बुनते जाएंगे और पीछे वाले फंदे को उठा के आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे। इस तरह हम 26 फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। तो 26 फंदे बाइंड ऑफ करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमने 26 फंदे को बाइंड ऑफ कर दिया। अब शेष फंदों को हम सीधा बुनेंगे और ये व्हाइट कलर के धागे को हम यही छोड़ देंगे। शेष फंदों को हम सीधा बुन लेंगे और ये लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने लाइन पूरी कर ली। अब हम रॉन्ग साइड में हैं, तो इस साइड भी हम 26 फंदे बाइंड ऑफ कर लेंगे। दो फंदों को बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को उठा के आगे वाले पे चढ़ा देंगे, एक दो तीन, इसी तरह हम एक एक फंदा ऐसे बुनते जाएंगे और पीछे वाले फंदे को उठा के आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे। अगले फंदे को उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे। इसी तरह करते हुए हम इस साइड भी 26 फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। तो इस साइड भी हमने 26 फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया। अब शेष फंदों को हम सीधा बुनते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों साइड से 26 फंदे बाइंड ऑफ कर दिए। अब हमारे पास बीच के ये 27 फंदे हैं, जिसको लेके हम आगे बढ़ेंगे और सिर्फ 27 फंदों को हम 10 सेंटीमीटर तक लंबा बुनेंगे।
और अपने डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा ये स्लिप किया हुआ फंदा है, तो ये फंदा उसके दोनों साइड वाले फंदे हमारे तीन फंदे सीधे हो जाएंगे। तो तीन फंदा सीधा और इन तीन फंदों में से बीच वाले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, अगला फंदा स्लिप करेंगे, तीन फंदा सीधा और अगला फंदा स्लिप करेंगे। यानी हम अपने डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए 10 सेंटीमीटर की लंबाई पूरी करेंगे। तो 10 सेंटीमीटर बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये 10 सेंटीमीटर कंप्लीट हो गया। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये ऐसे देखिए, इसको ऐसे पलटिए और ये चीज इसके बराबर आना चाहिए। देखिए ये चीज इसके बराबर आना चाहिए। तो अब हम इन सारे फंदों को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने का तरीका वही है, हमें चूंकि सीधा बुनना है तो सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे। तो अब हम सारे फंदे क्लोज कर लेंगे। तो देखिए हमने सारे फंदों को क्लोज कर लिया। अब धागा थोड़ा हम लंबा काटेंगे और इस लूप से जो आखिरी फंदा है उसके बीच से ऐसे निकाल लेंगे। अब ये जो हमारा दूसरा धागा है इसको भी हम काट देंगे और गांठ लगा लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को ऐसे अंदर की तरफ से रखेंगे, इसको ऐसे हम मोड़ देंगे। अब हमें यहाँ पे सिलाई करनी है, तो हम सुई में धागा डालेंगे और सिलना शुरू करेंगे। चाहे तो हम सामने की तरफ से भी सिल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बेबी कैप बनके तैयार है। अब हमें यहाँ पे डोरी बनाना होगा। तो फिर हम क्रोशिया लेंगे, हमने 10 नंबर की क्रोशिया लिया है और ऐसे क्रोशिया ऊपर रखेंगे, ऐसे घुमाएंगे और एक लूप निकालेंगे। अब हम 35 चेन बनाएंगे। तो हमने 35 चेन बना लिया। अब हम देखिए इसके राइट साइड से फंदे उठाना शुरू करेंगे, ऐसे घुसाएंगे और एक फंदा निकाल लेंगे और इसे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। एक हुआ, ऐसे हम थोड़े दूर दूर पे फंदे निकालेंगे, दो, ऐसे हम इसे जोड़ खाने में
एक। प्रत्येक खाने में हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब हम बैक साइड में आ गए हैं, तो यहाँ पे हम दूर दूर पे बनाएंगे ताकि इसमें सिकुड़न आए। ये जो हमारे स्लिप किए हुए फंदे हैं, यहीं से हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। जितने हमारे ये फंदे हैं, स्लिप किए हुए फंदे हैं, यहीं से हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। और फिर दूसरी साइड में प्रत्येक खाने में एक। अब हम फिर 35 चेन बनाएंगे। तो हमने 35 चेन बना लिए। अब हम दो चेन और बनाएंगे और प्रत्येक दो चेन छोड़ के प्रत्येक चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बल लिया और डबल क्रोशिया, प्रत्येक चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए प्रत्येक चेन पे हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब जितने स्लिप स्टिच हैं इस पर भी हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक स्लिप स्टिच में एक डबल क्रोशिया, जितने भी स्लिप स्टिच हैं प्रत्येक में हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। प्रत्येक में एक डबल क्रोशिया। और अब हम इस साइड के भी चेन पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। प्रत्येक चेन में एक डबल क्रोशिया। तो हमने इस साइड भी प्रत्येक चेन में डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम इसको ऐसे खींच देंगे और काट लेंगे। अब इस धागे को हम ऐसे ही लपेटते हुए अंदर की तरफ कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कैप बनके तैयार है। आशा है आपको पसंद आए होगी। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।